पालक मंत्री के पद से पवार के लोगों को दूर रखा गया है। ऐसे में सरकार ने निर्णय लिया है कि अजीत पवार के साथ मंत्री बनने वालों को भी ध्वजारोहण का अवसर मिले, इसलिए पालक मंत्री न होते हुए भी उन्हें 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण के लिए झंडा मंत्री बनाया जाए। इस पर भी सरकार में विवाद हुआ। गुरुवार को सरकार ने मंत्रियों के ध्वजारोहण करने की लिस्ट जारी की, जिसे शुक्रवार को बदल दिया गया। कहा जा रहा है कि मंगलवार 15 अगस्त से पहले देखिए क्या क्या और भी बदलाव होता है। शिंदे फडणवीस सरकार में अजीत पवार के शामिल होने से पहले शिंदे और फडणवीस के 20 मंत्रियों को पालक मंत्री बनाया गया था, लेकिन पवार के लोग अभी भी वेटिंग लिस्ट में हैं। पालक मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर तीनों दलों में विवाद है। हालांकि सरकार विवाद मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पवार के लोगों को पालक मंत्री भी नहीं बनाया जा रहा। सरकार ने राज्य के 28 जिलों में कैबिनेट मंत्री को ध्वजारोहण की जिम्मेदारी दी है। एनसीपी का पुणे में दबदबा है, इसलिए वो पुणे का पालक मंत्री पद मांग रही है, लेकिन बीजेपी का भी यहां पर दावा है, इसलिए पहले ये तय किया गया कि चंद्रकांत पाटिल पुणे में झंडा फहराएंगे, लेकिन बाद में अजीत पवार और फडणवीस के बीच इस पर चर्चा हुई और फैसला बदलकर चंद्रकांत पाटिल की जगह पुणे में राज्यपाल रमेश बैस के हाथों ध्वजारोहण कराने का निर्णय लिया गया। छगन भुजबल नासिक जिले में ध्वजारोहण करने के इच्छुक थे, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, उन्हें अमरावती जिले की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि किसी जिले का पालक मंत्री यानी कि प्रभारी मंत्री होना प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस जिले का जो पालक मंत्री होता है वही उस जिले की विकास योजनाओं को फाइनल करता है। उस जिले की जिला नियोजक और विकास समिति यानी कि DPDC की बैठकों की वो अध्यक्षता करता है। DPDC की बैठकों में ही जिले के विकास कार्यों के लिए सरकारी योजनाओं का निर्धारण होता है। जिस पार्टी का पालक मंत्री होता है वो अपनी पार्टी के प्रभाव वाले इलाकों के लिए ज्यादा से ज्यादा योजनाएं स्वीकृत करता है, यानी कि सारा मसला जिले के विकास के फंड पर ज्यादा से ज्यादा कब्जे का है। इसलिए पालक मंत्री पद के लिए सरकार में शामिल तीनों पार्टियों के बीच गला काट लड़ाई चल रही है। झंडा वंदन के लिए तो अजीत पवार कोल्हापुर और छगन भुजबल अमरावती जाने को तैयार हो गए हैं, लेकिन जब अधिकृत रूप से पालक मंत्री पदों का बंटवारा होगा तब इसे लेकर घमासान देखने को मिले तो आश्चर्य नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।